मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो का विषय है गला बैठना, जिसको आयुर्वेद में स्वर भंग कहा जाता है। कई बार लोग ज़्यादा बोलते हैं या कई लोग जिनको गाने वगैरह का शौक है गाते हैं तो उनका गला बैठ जाता है। कभी कभी देखा गया है कि जुकाम या सर्दी होने की वजह से भी गला बैठने की शिकायत आती है, जिसमें आवाज़ उतनी तेज नहीं रहती, स्पष्ट नहीं रहती। जब ये कंडीशन आ जाए, जब ये दशा आ जाए तो उसको हम गला बैठना या स्वर भंग बोलते हैं। इससे बहुत लोग परेशान होते हैं, तो आज मेरे दिमाग में आया कि इस विषय में एक वीडियो डालें जो लोगों के लिए हितकारी हो। तो आज के वीडियो में मैं एक सरल घरेलू नुस्खा बताऊंगा, जिसे आप घर पर ही बना करके उपयोग कर सकें। अगर आपका गला बैठ गया है, आवाज़ बैठ गई है या स्वर भंग हो गया है, जो कुछ भी आप समझें, तो उस दशा में इस नुस्खे का प्रयोग करें, आपको लाभ मिलेगा। इस नुस्खे में जो मैंने प्रयोग किया हुआ है, चार दवाइयां हैं और पांचवी दवा है अदरक का रस, जिसमें उन चार दवाइयों का पाउडर बना के अदरक के रस में घोटना है। और ऐसा करने से आपको चूर्ण तैयार हो जाएगा और उसकी गोली बना लें शहद मिला करके। शहद जिसको शायद कुछ लोगों को न समझ में आवे तो मध समझ लें, या फिर इंग्लिश में हनी बोलते हैं, उसको मिलाएंगे तो आटे की तरह से माड़ लें और चने के बराबर गोलियां बना लें। तो आपके मन में ये विचार उठ रहा होगा कि वो चारों दवा कौन कौन सी है, तो आप नोट कर लें। पहली दवा है कुलंजन। कुलंजन एक पौधे की जड़ है और ये रेशेदार होती है, स्वाद में कड़वी होती है और गले के लिए बहुत अच्छा काम करती है, खांसी में भी अच्छा काम करती है। गले में खराश वगैरह है, टॉन्सिल में सूजन आ गई है, उस केस में भी कुलंजन की सलाह देते हैं। दूसरी दवा हमारे घरों में मसाले में प्रयोग की जाती है, काली मिर्च। तो दूसरी दवा काली मिर्च हो गई, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोगों ने देखा होगा। और तीसरी दवा है बड़ी इलायची। इलायची दो प्रकार की होती है, एक छोटी एक बड़ी। तो छोटी इलायची अक्सर लोग मुख शुद्धि के लिए प्रयोग करते हैं और बड़ी इलायची मसाले में प्रयोग होती है। बड़ी इलायची भी लोग जानते होंगे, किचन में प्रयोग होती है। और चौथी दवा है मुलेठी। तो ये चार दवाइयाँ आप नोट कर लें, कुलंजन, काली मिर्च, बड़ी इलायची और मुलेठी। ये चारों दवाइयाँ आप समान मात्रा में ले लें। समान मात्रा मतलब अगर आपने कुलंजन 10 ग्राम लिया है तो काली मिर्च भी 10 ग्राम लें, बड़ी इलायची के दाने भी 10 ग्राम लें और मुलेठी का पाउडर भी 10 ग्राम लें। पाउडर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो ये जैसी भी औषधियाँ मिलें उनको कूट करके चूर्ण बना लें, बारीक चूर्ण बनाएं
और इन चारों औषधियों को मिक्स कर दें और उसमें अदरक का रस डाल करके घोंटें, खूब अच्छी तरह से घुट जाए तो उसको सुखा लें और सुखा करके फिर से देख लें कि वो पाउडर फार्म में है कि नहीं है, नहीं तो फिर से घोट लें। ये ड्राई पाउडर आपका तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ी मात्रा में शहद मिलाएं और आटे की तरह से गूंध लें, शहद मिलाते जाएं और उसे गूंधते जाएं। जब गूंधने लायक पूरी तरह से यह गूंध जाए तो उसकी छोटी छोटी चने के बराबर गोलियां बना लें। अगर आपकी आवाज़ बैठ गई है तो एक एक गोली दिन में चार बार इसको चूसें। आशा है कि आपको पहले दिन से ही लाभ मिल जाएगा। जो लोग गाने वगैरह का शौक़ रखते हैं, गायक बंधु हैं, वो इस दवा को अवश्य नोट करें। और किसी को जुकाम की दशा में, खांसी आने की दशा में, ठंड लगने की दशा में, जुकाम होने की दशा में अगर उनका गला बैठता है तो इस दवा का सेवन करें, आपको लाभ मिलेगा। और आपको लाभ मिले तो दूसरों को भी बतावें और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आशा है मेरी बताई हुई दवा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।